गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास सिक्स का मैथमेटिक्स में अध्याय है जैसे एक नाम है गुणनखंड एवं गुणज, गुणनखंड और गुणज है। इसमें एक्सरसाइज हम लोग 6.1 ले रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालिए। महत्तम समापवर्तक निकालना है, जैसे इसमें दिया है कितना 120 का और दूसरा दिया है आपके पास 204, ठीक है। इस प्रकार से आप भाज्य गुणनखंड में से निकालेंगे। सबसे पहले छोटे संख्या से आप भाग देंगे, दो चक्की 12, दो शून्य शून्य, फिर दो की अच्छा है दो शून्य शून्य, फिर आ जाएगा दो एक काम दो पंच से, और फिर तीन पंचे 15, फिर पाँच एक का 5, ये से गुणनखंड निकल गया भाज्य। ठीक इसी प्रकार से को भी दो एक कम दो, दो शून्य दो, दोनों 4, ठीक है। फिर दो से जाएगा दो पंचे 10, दो एक कम दो, ठीक है। और ये जाएगा तीन एक कम तीन, तीन सत्रह 21, 17 एक कम 17 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो 120 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, फिर 3 × 5, फिर लिखेंगे 204 बराबर यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 17, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2, और यहाँ पर हो जाएगा ये क्या 3, ये हो जाएगा 3 × 2 = 4, 4 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे से क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। इस प्रकार से आप इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहे हैं भाग विधि से आपको क्या करना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना है। जैसे भाग विधि में बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन दिया है 150, फिर दिया है 140, ठीक है, फिर दिया है 210, ऐसे इसका आप जब भाग विधि से निकालेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या 140 को भाग देंगे 150 से, कितने बार जाएगा एक बार जाएगा, ये शून्य हो गया 10, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भाजक होता है उसको हम लोग फिर भाज्य में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। कितने बार जाएगा ये एक बार करो 10 × 10, फिर बचा कितना यहाँ पे 4 × 10 = 40, ठीक है, ऐसे हो जाएगा 14 बार में कंप्लीट हो गया, ठीक। अब किससे भाग हो गए ये 10 से, तो आप क्या करोगे 210 को भी हम किससे भाग देंगे 10 से, 10 ये हो जाएगा दहा, 10 दहा क्या हो जाएगा 200, यहाँ बचेगी आपके पास 10, और फिर यहाँ 10 इसका 10, ये इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा कितना 10 होगा। जिससे भाग होता है वही क्या हो जाता है उसका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ऐसे इसको हल करेंगे भाग विधि, मतलब जो भाजक है वो फिर शेष पर, शेष पर फिर भाजक है, फिर भाजक के शेष पर में क्या होता है बदल दे जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर मैं आपको 5 भी बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया हुआ है कि दो छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और जो है 68 लीटर पेट्रोल आता है, उनके मापने वाले बर्तन अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। मतलब हम क्या करेंगे, जो दोनों मिलेगा उसको करेंगे। तो हमारे पास दो अंक है, 85 है एक 68 है, ठीक। इसको हम लोग भाग से निकालेंगे, 68 को हम लोग अंदर बाहर रखेंगे और 85 को क्या करेंगे हम लोग अंदर रखेंगे। ये भाज्य हो जाएगा और ये भाजक होगा, कितने बार जाएगा एक बार जाएगा इसमें, ठीक है। और फिर ये 15 में से 8 या 7 माइनस कर दिए 17, और ये जाएगा 68, फिर से हो जाए कितने बार जाएगा 17 का पहाड़ा आप पढ़ के देखिए कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, 7 × 28 4 × 4 हो जाए कितने बार जाएगा कि 68 हो गया, ठीक। इससे कि पूरा पूरा भाई को ये 17 से भाई देगा, तो उस धारिता जो पेट्रोल मापने की जो धारिता होगी मतलब मापा होगा उससे कितना होगा 17 लीटर की होगी, ठीक। इस प्रकार से इसमें से आप लोग जो है शेष सवाल को बनाना, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें से शेष क्वेश्चन जो होते हैं उसी प्रकार से आपको बनाना है। महत्तम करना मतलब भाग विधि दो प्रकार से, एक अभाज्य गुणनखंड से होता है ऐसे आपको, और भाग विधि से ये होता है। देखो यहाँ पे क्या है भाजक है, ठीक है, और ये भाज्य है, और ये शेष पर है, फिर शेष पर क्या बन जा रहा है भाजक में, और भाज्य क्या बन जा रहा है भाजक जो क्या बन जा रहा है भाज्य में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। इस प्रकार से आप ये प्रश्नवाली करेंगे, ठीक है। Thank you.